हेलो एवरीवन, आप नेमत खाना देख रहे हैं और मैं हूँ नेमत। आज की रेसिपी है गट्टे की सब्ज़ी। ये रेसिपी उतनी मशहूर तो नहीं लेकिन बहुत ही मज़ेदार होती है और अगर आप ये एक बार बना लें तो इसे बार बार बनाएंगे। तो मेरे साथ बने रहें, मसाले को नोट करें और स्टेप्स को फॉलो करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने कद्दू लिया है, सफ़ेद वाला कद्दू है जिसे खुरच लेना है, ग्रेट कर लेना है। इसके बीज वाले पार्ट को डिस्कार्ड कर देना है और इसके पल्प को निचोड़ लेना है। निचोड़ने से काफ़ी पानी निकलेगा, इस पानी को रख लेना है ताकि बाद में करी में यूज़ हो सके, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होता है और इस पल्प को हम गट्टे में इस्तेमाल करेंगे। तो आपको जितना भी गट्टा बनाना उसी के हिसाब से आप बेसन का इस्तेमाल करें। बेसन मीन्स कच्चे चने का आटा। तो मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून बेसन लिया है और बेसन काफ़ी हेवी होता है, वो पचने में बहुत दिक्कत करता है। तो मैंने यहाँ पर अजवाइन और हींग इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर 1/4 अजवाइन को दोनों हाथों के बीच क्रश करके इसमें डाल लेना है। साथ ही यहाँ पर हम डालेंगे 1/4 टीस्पून मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। अब यहीं पर हम कद्दू के पल्प का इस्तेमाल करेंगे और सब चीज़ों को हल्के हाथों से मिलाते हुए इकट्ठा कर लेंगे। इतना दबाव नहीं देना है कि टाइट हो जाए। यहाँ पर मैंने हींग डाला है, 2 चुटकी हींग डालना है। ये भी बहुत अच्छा डाइजेस्टिव होता है और इससे बेसन खाने से बहुत से लोगों को गैस बनती है, तो गैस नहीं बनेगी। तो अब इसे मिला लेना है। देखिए, हल्के हाथों से मिलाना है, यानी उंगलियों के सहारे मिलाना है और दबाव नहीं डालना है, वरना आपका गट्टा बहुत ही टाइट हो जाएगा। अब इसके 2-3 मुठरी बना लेने हैं और ये मठरी हम बनाकर बॉयल करेंगे। इतनी देर तक इसे बॉयल करना है कि ये मठरियाँ फ्लोट करने लगें। देखिए, पानी उबल गया है और मैंने इसमें इन मठरियों को डाल दिया है। फ्लोट करने का मतलब ये है कि ये अंदर से बिल्कुल पक चुका है। अब यहाँ पर एक दही वाला पेस्ट तैयार करना है जो हमारे गट्टे की करी बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम के लगभग दही लिया है जिसमें थोड़ा पानी मिलाकर इसे पतला कर लिया है। 1/2 टीस्पून हमने धनिया पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1/4 टीस्पून ही हल्दी पाउडर लिया है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से फेंट कर रख लेना है। तो देखिए, हमारा ये जो मठरी है वो भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे निकाल कर एक तरफ रख दें और ठंडा होने का इंतज़ार करें, फिर इसके पीसेस कर लें। एक प्याज को हमने हल्का सा कैरामलाइज किया है और अब जो दही मसाले वाला हमने करी बनाया था वो इसके ऊपर डाल दें और इसे लगातार चलाते रहें, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। फ्लेम एक बार हाई रखें और जैसे ही ये उछलने लगे फ्लेम को धीमा कर दें और धीमी आंच पर ये 5 से 7 मिनट तक पकने पर गाढ़ा हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब यहीं पर कटे हुए गट्टे को हम डाल रहे हैं, साथ में बॉयल वाटर भी डाला है ताकि करी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट हो सके। आप अपने हिसाब से इसमें पानी मिलाएं। ये गाढ़ा या पतला आपके अपने चॉइस पर है, जैसा करी आप पसंद करें उतना ही पानी इसमें शामिल करें। ये सब्ज़ी बड़े मज़े की होती है। बरसात के दिन में ये किसी भी हरी सब्ज़ी का सब्स्टिट्यूट हो सकता है और बहुत ही मज़ेदार लगता है। धनिया की पत्ती से सजा लें, इसे आप उबले हुए चावल के साथ खाएं या गरम गरम फल के या चपाती के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगेगा और आप इसे बार बार बनाएंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो आप इस रेसिपी को बनाकर देखें और खाकर देखें। पसंद आए तो जानने वालों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसकी रेसिपी को शेयर करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी कभी मायूस नहीं करेगा और आप इसे बहुत एंजॉय करेंगे। तो बनाएं, खाएं और खिलाएं, और अगर पसंद आए तो हमें अपने कमेंट लिखें और नए विज़िटर्स हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो फिर मिलते हैं किसी अच्छी से रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। आज एक ही बार